हमारा तरबूज है भी। ओके तो भाई तरबूज को बिल्कुल भाई इन्होंने जो है वेलकम टू एमएम इंडिया गाइस। तो भाई आज हम आ गए कुल्फी वाला, कमला नगर की मार्केट है, आप देख सकते हो गाइस हमारी रोलर कुल्फी लग रही है और फूड इस पर गिर रहे हैं। तो आपको चलिए मैं स्टार्टिंग से इसकी मेकिंग दिखाता हूँ फ्लैश बैक में ले जाके। तो ये देखिए गाइस, ये जो है हमारा भाई डलना चालू हो चुका है। भैया क्या डाल रहे हो पहले? अच्छा ये देखिए गाइस, खाली बिल्कुल भाई स्क्रैच पे रबड़ी लगनी चालू हो चुकी है। बहुत सारे तरीके के इस पे फ्रूट। भैया इसको हम घुमाते क्यों रहते हैं? अच्छा मेल्ट नहीं होता है, मतलब जो अंदर बर्फ होती है वो जम जाती है अच्छे से। तो मिक्स फ्रूट का रस डाला था, पहले इन्होंने रबड़ी डाली थी और उसके बाद मिक्स फ्रूट का रस और फिर से ऊपर से रबड़ी की इसके पास ऊपर कोटिंग होती है, ये आप देख सकते हैं। ये क्या जा रहा भैया? अब अच्छा ये मैंगो का जूस है, अच्छा लग गया गाइस इस पर हमारे मैंगो का जूस, ये पूरी इस पर जाएगा साथ साथ जो है। ये क्या डाल रहे हो आप? ये अनार का जूस गया है, देख सकते हो आप धीरे धीरे रंग आने लग गया है भाई हमारा, जो कुल्फी का रंग है बिल्कुल आने लग गया धीरे धीरे। एंड इसको घुमाते रहेंगे तो ये हमारी कुल्फी इस पर जम जाएगी बर्फ, जिससे बाहर जम ही रहे मेल्ट ना हो। और ये क्या डाल रहे हो भैया? ये अनार का रस आ गया गाइस, ये देखिए ये डाल दिया इन्होंने अनार का रस। अरे और ये है संतरा, ये आ गया है संतरा हमारा। पूरे इस पर जाते रहते हैं रोलर पे, तो इसमें जो है मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रबड़ी की क्वांटिटी में रबड़ी ही जाती है साथ। तो ये देखिए गाइस ये आ गया है भाई फ्रूट हमारा। ये कौन सा फ्रूट है? अच्छा फिर से रिपीट होता है मैंगो का जूस, वो आ गया हमारा शायद अनार का जूस है। और ये जो है इन्होंने जो है ये आ गया ऊपर से गाइस संतरा, ये देखिए संतरे का रस सजाई जाती है पूरी, देख सकते हो भाई कितनी अमेजिंग लग रही है गाइस ये देखिए। तो ये कौन सा फ्रूट है भैया? अच्छा पपीता और चीकू का एक फ्लेवर बना रखा है आप लोगों ने, सारे मिक्स फ्रूट है। अच्छा जाएंगे भाई डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, ये देखिए ये हमारा चला गया संतरा रबड़ी। और अब ये कौन सा फ्रूट का जा रहा है हमारा? ये स्ट्रॉबेरी का जा रहा है। तो ये देखिए गाइस कितना बढ़िया ही सुंदर लग रही है आप फुल। मैंगो का जूस जा रहा है गाइस, अरे ये देखिए कितना सुंदर लग रही है गाइस। रोलर फ्रूट खुरचन बोला जाता है गाइस, इसका नाम है रोलर फ्रूट खुरचन। ये कौन सा आ गया भैया? अब ऑरेंजेस आ गए गाइस, ये बिल्कुल उसका रस निकाल दिया पूरा आप देख सकते हो। गाइस इसको जो है ऐसे गोल 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 क्यों घुमाया जाता है? बिकॉज इसके अंदर होती है बर्फ, तो जो दूसरी साइड जो होती है ना तो उसके अंदर बर्फ होती है, तो वो बर्फ जो है गाइस जो मेल्ट नहीं होने देती है, हमारे जो ऊपर कुल्फी जम रही है उसको अच्छे से जमा देती है आप देख सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों ये जो है भाई हमारी कुल्फी लगनी चालू हो गई। तो भैया हाफ प्लेट लगा रखा? अच्छा हाफ प्लेट गाइस 50 रुपीज की, आप देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रही है यार। ये देखो इसमें जो है भाई मिक्स फ्रूट जो है सारे फ्रूट्स आ जाते हैं हमारे कुल्फी के अंदर। एंड ये आ गई है तो चलिए टेस्टिंग करके बताता हूँ। 50 रुपीज़ की हाफ प्लेट है, 70 की फुल प्लेट। तो आप खुद देख सकते हो कितनी अमेजिंग लग रही है गाइस ये हमारी रोलर कुल्फी। भाई मिक्स फ्रूट है, सारे फ्रूट इसमें मिले हुए हैं, स्ट्रॉबेरी ऑरेंजेस अनार भाई बहुत फ्रूट है, 10 से 12 फ्रूट हैं। तो चलिए टेस्ट करके बताता हूँ भाई, ठंडी ठंडी बिल्कुल, और जब ये मुँह में जाके घुल रही है तो सारे फ्रूट का लग ऐसे लग रहा है मिक्स फ्रूट का टेस्ट आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग। तो आप भी यहाँ पर आकर इन्जॉय कर सकते हैं कुल्फी वाला पर इनकी ये रोलर कुल्फी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो कर लें, बिकॉज हम आपके लिए यूनिक यूनिक और बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाते रहते हैं।